इतनी गर्मी के बीच अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। तालाब, आओ दोस्तों, दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा जोकर। मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। गर्मी के मौसम में सर्दी जैसी ठंड पड़ रही है, हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी, चलो दोस्तों। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है, और देखो एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़, कुदरत की शक्ति और सूरज की आग। बना दे इस त्रिशूल को हथियार खतरनाक। बुरी परी, तो ये तुम्हारा किया धरा है, अब क्या नई जादुई चाल चल रही हो? जानता था कि ये मामूली सर्दी बिल्कुल नहीं है। सूर्या त्रिशूल से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, बर्फ गदा। शक्ति वापस सूरज के पास जा रही है। अमर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को बिना छुए ही हरा सकता है, फिर चाहे वो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन अगर हम लड़ने से मना कर दें तो? फिर वो खुद गांव पर हमला करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। बिना छुए हर योद्धा को हरा कर, हर चुनौती का विजेता बनकर आ गया है ढोलकपुर को अपना करने। ढोलकपुर गांव की ओर से मैं तुम्हारा सामना करूंगा। बच्चे, तू अब तक का मेरा सबसे छोटा विरोधी है। चल हाथ मिला छोटे, लड़ाई से पहले मैं हर विरोधी के साथ हाथ मिलाकर चुनौती को सम्मान देता हूँ। और मैं सिर्फ हारने वाले के साथ हाथ मिलाता हूँ। Yeah!
ना, मुझे माफ कर दो, आज मैंने सबको निराश कर दिया। नहीं भी, तुमने जी जान से लड़ाई की है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो अब समझ आया? इतना शोर क्यों कर रहे हो? जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो याद रहे कि भागने वाले का मुकाबला मुझसे होगा। अमर, जो लड़ाई में हाथ पैर ना उठाए उसे योद्धा नहीं पुतला कहते हैं। मैं तुम्हें मुकाबले की एक और चुनौती देता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम ढोलकपुर और बाकी सारे राज्यों को छोड़ दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूँगा। ये डरपोक फिर से नहीं लड़ेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है, अब पूरी जिंदगी मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। हाथ मिलाओ अमर, शर्मा क्यों रहे हो? क्या हो रहा है? तुम्हारी पिटाई। जेल में कुछ तो समझ लिया था। भीम, अब तो बताओ कि तुमने अमर को कैसे हराया? मुझे अमर की ताकत का राज समझ में आ गया, और वो है ये जादुई चित्र। लड़ाई से पहले अमर ने हाथ मिलाने के बहाने इस चित्र को मेरे हाथ पर चिपका दिया था, फिर मेरे हर वार का जोर पलटकर मुझे ही लगता था, इसलिए इस बार लड़ने से पहले मैंने अपना हाथ मिट्टी से साफ कर लिया और अमर को हरा दिया। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह लड्डू। अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं है, उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। शुक्रिया बच्चों।
नन्हे मुन्हे बच्चे से आखिर एक बूढ़ा बाबा कैसे बन गया हूँ? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू। क्या तुम सब भी? सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। दोस्तों तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ आए हैं बेटा, मेरा मतलब महाराज। महाराज, ढोलकपुर में बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है, जिसकी त्वचा सोने से भी ज्यादा चमक रही है। महाराज महाराज, उस चमत्कारी त्वचा वाले आदमी ने गांव पर हमला बोल दिया है। हो गई तुम्हारी कोशिश तो मैं जाऊं? ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें ये चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी इंद्र वर्मा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस लौटाना होगा। तुम्हारी इतनी दौलत के बदले मैं इस राजकुमारी का बचपन लौटा सकता हूँ। ठीक है। मुझे माफ कर दो भीम, मुझसे गलती हो गई। से बिछड़कर इस जंगल में खो गई और अब मेरा पीछा किया जा रहा है। मुझे जल्दी ही मेरी स्पेसशिप ढूंढनी होगी वरना।
कौन पीछा कर रहा है किरण? रोशनी के बिना मेरी शक्ति बेकार है। मुझे अब रोको टोको नहीं, वरना इस ट्रैंक्विलाइजर से मैं किरण को बेहोश कर दूंगा। नहीं, भीम बचाओ। किरण, तू पकड़ो। किरण, तुम चुटकी के साथ स्पेसशिप पहुंचो, हम इन्हें रोकते हैं। यहाँ कोहरा है किरण, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रोशनी हर जगह नहीं होती, लेकिन ध्वनि होती है। किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। भूसा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं किसी को भी डरा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। होती तो मेरे साथ अन्याय ना होता। अन्याय? कौन सा अन्याय भूसा? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। जग्गू, जो भी हो, आम इंसान या फिर वो तीन दानव, उसे मुक्का मार के या फिर हवा में उड़ा के हम तुम्हारे सोने के कान के बालों को बचा लेंगे। भूसा, आने दो उन्हें। मुझे दानवों से डर लगता है। भूसा, तुम शांत रहो, हम यहीं हैं, उन्हें रोक लेंगे। उसे से सोना खींचो, आक्रमण। नहीं, मुझे मत मारो, मेरा सर। पानी में खींच लिया, इतनी सारी शक्ति। ये मैंने क्या कर दिया? मत मानना।
भूसा, लेकिन तुम्हारे कानों के सुनहरे बालों की मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। ताकि तुम उससे अपने लिए नए कपड़े बना सको। मतलब तुम ये सब कपड़ों के लिए कर रहे थे। हाँ। तुम हमारी तरह कपड़े पहन सकते हो। हम कैंपिंग के लिए और कपड़े लाए थे। ये तो कितने हल्के और ठंडे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी पोशाक होती है। अब हम तुम्हारे कान के बाल नहीं चुराएंगे। सॉरी भूसा। कोई बात नहीं। मोंडो मसीहा बधा रहे हैं। मैंने सुना है ये हर किसी का भविष्य बता सकते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है मोंडो। हमने आपकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत सुना है। प्रणाम महाराज, हमारे पास स्वागत समारोह के लिए वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में यहाँ गुस्सैल बैलों का झुंड आतंक मचाने वाला है। ऐसे संकट तो हमारा भीम बाएं हाथ से सुलझा लेता है। भीम, ढोलकपुर पर नजर रखो, हमला कभी भी हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। ये मोंडो की भविष्यवाणी सच होगी? वो तो वक्त ही बताएगा। भूकंप नहीं, बैल है। वाह, तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। तुम्हें हम हमारे खास मंत्रियों में शामिल करते हैं। मोंडो मसीहा। शुक्रिया महाराज। महाराज, हमें आपसे बात करनी है। बात करने का वक्त नहीं है भीम। मोंडो की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे खजाने की लूट होने वाली है। हमें खजाना सुरक्षित जगह ले जाना होगा महाराज। लेकिन महल से ज्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? मेरे पास एक जगह है ढोलकपुर के बाहर जंगल में। अरे वाह, चलो फिर जल्द से जल्द खजाने की पेटियां बांधते हैं। चलो चलो, अभी चलते हैं। महाराज, चोर आसपास ही होंगे। मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचकर हवा में धुएं का इशारा करूंगा। ठीक है मोंडो मसीहा। ये एकदम सही जगह है चकमा देने के लिए। देखूं तो कहीं उन बच्चों ने खजाना भरने में गड़बड़ तो नहीं कर दी। मोंडो, फंस गए ना फंदे में। भीम, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मोंडो, तुम्हारा डंडा और चोरी का इरादा दोनों चूर चूर हो गए। महाराज, आपका सोना महल में सुरक्षित जगह है। और मोंडो मसीहा? मोंडो मसीहा का तो चूहा बना दिया भीम ने। अब वो ढोलकपुर की ओर गलती से भी नहीं देखेगा। शुक्रिया भीम, आखिर तुमने ढोलकपुर को लूटने से बचा लिया। शाबाश। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। देखो, मैं स्कीमो पांडे आया, तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा इग्लू लाया। इग्लू? लेकिन इग्लू तो बर्फीली जगहों पर होता है स्कीमो पांडे अंकल। इसीलिए तो स्कीमो पांडे उसे लाया है, स्पेशल है। ओहो, इतनी गर्मी है, ये इग्लू कम हीटर ज्यादा लग रहा है।
अरे आओ बच्चों, वो मजाक कर रहा है। एस्किमो पांडे की बर्फ की दुनिया देखो। देरी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी इंदुमती। मेरा पेंगुइन सॉफ्ट टॉय आ गया। आपने तो असली पेंगुइन मंगा लिया राजकुमारी। मैं हूँ बर्फपुर का सुकू। तुम सबको मेरा हाय। हाय। बर्फीला जादू। बर्फीला सुकू, करें कुछ मजे शुरू। शुरू हो जाओ। ये थर्माकोल नहीं, असली बर्फ है एस्किमो पांडे। जुकू, क्या तुम ठीक हो? इतने गर्म हो चुके हो। नहीं जुकू, देखो तुम्हारा सफेद पेट तो काला हो रहा है। ओहो, मैं तो पूरा काला हो रहा हूँ। जुकू को वापस अपने घर जाना चाहिए। मैं अभी उस डिलीवरी वाले को वापस बुलाती हूँ। अब कहाँ बर्फ उड़ाने भाग गए जुकू? जुकू, यहाँ सब वापस आ गए? वो लड़का तो कांप रहा था। नहीं जुकू! ना तो ये तुम्हारे लिए जादू करना चाहता है और ना ही ये गर्मी में और कर सकता है। अगर ये मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। अरे मुझे छोड़ो, कितने भारी हो तुम पिट्टी बच्चे। जल्दी मिलना दोस्तों, और अगली बार मेरे घर बर्फपुर में।